अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने का काम और तेज हो चुका है। वहां फंसे कई लोगों को लेकर 3 अलग अलग विमान कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं। कतर एयरवेज के विमान में 30 लोग, एयर इंडिया के विमान में 1, जबकि विस्तारा के विमान में कुल 104 लोग भारत लौटे हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आती हूं। जो लोग लौटे हैं क्या उसमें अफगानी नागरिक भी शामिल हैं और एयरपोर्ट पर फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं? अमित आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं यतेंद्र के पास जाती हूं। यतेंद्र आप बताइए कि जो लोग पहुंचे हैं उनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, क्या उसमें अफगानी नागरिक भी हैं और अभी कितने लोग फंसे हुए हैं? यतेंद्र आपको आवाज मिल रही है? 10 मिनट पर आनी थी। ठीक है ठीक है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, आज 4 फ्लाइट आनी थी और जो सबसे लास्ट की फ्लाइट थी वो 5:10 थी और सारी चारों फ्लाइट है जिसमें विस्तारा, एयर इंडिया, कतर एयरवेज और इंडिगो, ये चारों फ्लाइट्स आ चुकी हैं और टोटल 146 यात्री जो अफगानिस्तान से आने हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और सभी औपचारिकताएँ सिक्योरिटी से संबंधित हैं या कोरोना से संबंधित हैं, सारी जाँचें उनके यहाँ चल रही हैं अंदर और माना ये जा रहा है कि करीबन 2 से 3 घंटे और लगेंगे तब उनको बाहर लाया जाएगा। यानी कि सभी 146 यात्री फिलहाल आ चुके हैं और जहाँ तक काबुल एयरपोर्ट की बात है तो अभी भी वहाँ पर भगदड़ का आलम है। अभी भी सैकड़ों हज़ारों लोग की संख्या में अफगानी और दूसरे देशों के लोग और खासकर कुछ उसमें भारतीय भी हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। सिख और हिंदू अफगानिस्तानी लोग हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में अभी भी फंसे हुए हैं। लगातार भारत सरकार की कोशिशें हैं कि उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आज 146 यात्रियों को लाया गया है, कल भी करीबन 392 यात्रियों को लाया गया था जिसमें से 329 भारतीय थे और उसमें 2 अफगानी सांसद थे, बाकी के दूसरे मूल के लोग थे। यानी कि लगातार लोगों का, जो यात्रियों का आने का सिलसिला भारत सरकार के द्वारा लाने का सिलसिला जारी है और कोशिश भारत सरकार की यही है कि सभी यात्री जो भारत के हैं वो वापस सुरक्षित लाया जाए। बिल्कुल ठीक है यतेंद्र, तो अपडेट यह है कि 4 विमानों के जरिए भारतीय लौटे हैं। अमित भी हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अमित, कितना समय और लगेगा फॉर्मेलिटीज को पूरा होने में और फिर वो मीडिया से मुखातिब होंगे? जो लोग हैं उनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो लोग अभी पहुंचे हैं, जिनकी फ्लाइट लैंड कर गई है, उनका जो है कोरोना प्रोटोकॉल होगा। कोरोना प्रोटोकॉल होने के बाद इमिग्रेशन, कस्टम और उन सभी लोगों की जो लिस्ट है वो हमारे अधिकारियों के पास, तो जाहिर तौर पे हमारे अधिकारी भी उनसे एक बार बात करेंगे और बातचीत करने के बाद जब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे तभी उन्हें एयरपोर्ट्स के अंदर से बाहर निकलने देंगे और जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो है अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें भारत सरकार वहां से निकालने की कोशिश कर रही है और उसी के पहल में आज एक बार फिर जो है वो यात्री जो हैं वो जो अफगानिस्तान में फंसे हुए थे उन्हें लेकर यहां पर पहुंच रही है भारत सरकार। और यह जिस तरीके से बीते कल भी हमने देखा था कि हिंडन एयरवेज पर किस तरीके से जो अफगान मूल के जो सिख थे और जो तमाम दूसरे नागरिक थे उन्हें लाया गया और उसके बाद उनको भी वहां निकलने में काफ़ी समय लगा था क्योंकि जो प्रोसेस है कोरोना प्रोटोकॉल से लेकर कस्टम्स, इमिग्रेशन, वो उन तमाम प्रोसेस को करने में समय लगता है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं हमारे वो भी लगातार पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार अफगानिस्तान से पलायन कर रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वाकई में वो अफगानिस्तान के किस प्रोविंस के रहने वाले हैं वो, और भी उनकी डिटेल जानने की कोशिश होती है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं। इस प्रोसेस में लंबा वक्त लग जाता है, 4 घंटे से कभी कभार ज़्यादा भी लग जाता है। तो जाहिर तौर पर उनको जो यात्री अंदर हैं फिलहाल जो कोरोना प्रोटोकॉल, इमिग्रेशन, कस्टम, उसके बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे। यतेंद्र, मिशन काबुल में हमें कामयाबी मिली है, काफी भारतीय वतन लौटे हैं, अभी भी कई लोग फंसे हैं और केंद्र सरकार की यही प्राथमिकता है कि जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी करवाई जाए जल्द से जल्द।
देखिए बिल्कुल, जो भारत सरकार का मिशन काबुल है वो कोशिश यही है कि सभी लोग सुरक्षित आएँ उस मिशन के तहत, और सरकार उसमें काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी यात्री आए गए हैं वो सभी सुरक्षित हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे भारत की सरजमी पर आने के बाद, और लगातार अभी भी कोशिश है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको भी लगातार लाने की कोशिशें भारत सरकार के द्वारा की जा रही हैं, चाहे वो दोहा के रास्ते हो या किसी दूसरे अन्य देशों के रास्ते। कोशिश यही है कि कोई भी यात्री जो खासकर भारतीय मूल का जो नागरिक है वो वहां पर ना छूटे, जो जिस तरह के भगदड़ वहां पर है, जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में अभी फिलहाल बने हुए हैं, उसमें सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, और कोशिश यही की जा रही है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनसे संपर्क साधकर उनके माध्यम से अपने यात्रियों को किसी भी तरह से अपनी सरजमी पर वापस लाना, और लगातार जितने भी कूटनीतिक रास्ते हैं, जो भी कूटनीतिक चैनल्स हैं उनके संपर्क में भारत सरकार लगातार बनी हुई है और अपने यात्रियों को सुरक्षित लाने की कवायद लगातार जारी है। जी ठीक है यतेंद्र और अमित, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, कई देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। भारत सरकार ने भी अपनी वायुसेना के जरिए मिशन एयरलिफ्ट शुरू किया और अपने विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए 168 यात्रियों को काबुल से बाहर निकाल लिया। सबसे राहत की बात यह है कि काबुल से बाहर निकालने के इस मिशन में अकेले भारतीय ही नहीं है बल्कि वो जरूरतमंद अफगानी सिख भी हैं जो किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं, और उनकी मदद की है भारत सरकार ने। इस तस्वीर पर कौन न मर जाए, ऐ खुदा। वाकई हिंडन एयरपोर्ट की इस तस्वीर में इंसानियत के लिए एक ऐसा पैगाम छुपा है जिसे देखकर किसी भी नेक दिल इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगे और आंखें पानी से भीग जाएं। भारत का मिशन एयरलिफ्ट। विमान से 168 लोग भारत पहुंचे, 107 भारतीय, 24 अफगान सिख पहुंचे। पूरे अफगानिस्तान में चीख, दर्द और बेबसी का माहौल है, मगर इसके बीच भी राहत की खबर यह है कि भारतीय वायुसेना ने मिशन एयरलिफ्ट के तहत सुरक्षित रूप से 168 लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया है। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को दहशत की दुनिया से बाहर निकालने के लिए खास तौर पर इंतजाम किया और काबुल से उन लोगों को एयरलिफ्ट करवाया जो किसी भी सूरत में वहां से निकल जाना चाहते थे। हिंडन एयरबेस की ये तस्वीरें गवाह है कि यहां भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर पहुंचा था। पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान के पहुंचने की है और दूसरी तस्वीर विमान से उतरे उन अफगानी लोगों और उनके बच्चों की है जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही राहत की सांस ली है। अमन की इस धरती सर जमीने हिंदुस्तान पर कदम रखते ही उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अफगानिस्तान से जो लोग लौटे हैं वो अब यहाँ हिंडन एयरबेस से वापस जा रहे हैं और देखिए बहुत इनके चेहरे पर राहत जरूर नजर आ रही है। नरेंद्र सब ठीक है, अभी तो नॉर्मल है हालात, फिर भी वो हो रहा है, थोड़े से हालात वहाँ के वो थे ना तभी तो निकले हैं सारे। तो वहाँ अब किस तरह से तीन दिन किस तरह से गुजरे आपने? तो वो बस जैसे एयरपोर्ट में थे हम। सर जो इवैक्यूएशन किया गया इसके बारे में क्या कहेंगे जो भारत सरकार ने किया है? बहुत बहुत धन्यवाद। अफगानी मूल के सिखों ने भी भारत सरकार का धन्यवाद किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। लेकिन ये सभी भारतीय नहीं थे बल्कि इनमें 107 भारतीय हैं, जबकि इसके अलावा 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान आए हैं। वायुसेना के इस विमान के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने और विमान से आए लोगों से जुड़ी 5 तस्वीरें एक एक लम्हे की गवाही दे रही हैं। वायुसेना के इस विमान से एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद
नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह वाला जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। इससे पहले काबुल से ताजिकिस्तान के रास्ते कुल 94 नागरिक दिल्ली पहुंचे, जिनमें 87 भारतीय, 2 नेपाली और 5 डिप्लोमेट भी शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान के एक सिख बच्चे को बगैर पासपोर्ट के एयरलिफ्ट किया है। अफगानिस्तान में हालात हर बीतते दिन के साथ ही बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और इससे जुड़े मुद्दों के लिए एक अफगान स्पेशल सेल की स्थापना की है, जिसके लिए हेल्पलाइन नंबर और जीमेल आईडी भी जारी की गई। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि पिछले 5 दिनों के दौरान सेल में 2000 से ज्यादा कॉल रिसीव किए गए, जबकि व्हाट्सएप पर करीब 6000 से ज्यादा आशंकाओं का निवारण किया गया। इतना ही नहीं, इस सेल ने इस दौरान 1200 से ज्यादा ईमेल के जवाब भी दिए, ताकि अफगानिस्तान में फंसे लोगों और उनके परिजनों को राहत दी जा सके। यानी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से हर अमन पसंद तुरंत वहां से भाग निकलना चाहता है, फिर चाहे उसे क्यों ना अपनी जिंदगी ही दांव पर लगानी पड़ जाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अनिल विज से मुलाकात की। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर उनका हाल जाना। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद अनिल विज को पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सिम्स अस्पताल से चोरी हुई बच्चे को पुलिस ने मध्य प्रदेश की उमरिया से बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 लोग गहरी खाई में गिर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को खाई से बाहर निकाला। इस हादसे में दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। भारतीय खिलाड़ी शैली सिंह अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से चूक गई। लॉन्ग जंप में शैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई दी। दिल्ली बूढ़पुर गांव के पास एक कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में एक अस्पताल के कर्मचारी को नाबालिग के रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि ये कर्मचारी अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल आई नाबालिग लड़की को जबरन अस्पताल के बेसमेंट में ले गया और इस घटना को अंजाम दिया। पंजाब के बठिंडा में कुछ घंटों की जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां के कई इलाके पानी में डूब गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि शहर की सड़कों पर पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और लोगों के मकानों में भी पानी घुस गया। वहाँ एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक रिक्शे वाले ने पानी से होकर गुजरने की कोशिश की तो वो डूबते डूबते बचा। हालांकि उसका रिक्शा जरूर पानी में डूब गया और उस पर बैठा आदमी किसी तरह बच पाया। इसी तरह एक आदमी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला तो वो पानी में फंस गया। शहर के आम लोग तो परेशान हुए हैं, खास लोग भी नहीं बच पाए। वहाँ की डिप्टी मेयर की गाड़ी भी पानी में डूबी नजर आई, जबकि पास ही खड़ी एक बस के पहिए भी पानी में डूबे दिखे। बताया गया कि कुछ इलाकों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। डेवलपमेंट में ना लेंदे और छोटे सामने आई। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके में भी दिखी, जहां कुछ लोग अपने बच्चों के साथ कमर तक पानी से होकर सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। तालिबानी आतंकियों ने अफगानिस्तान का विनाश कर दिया है। सत्ता पर संगीनों वाले तालिबान का कब्जा है। तालिबान की ताकत में वो हथियार और इजाफा कर रहे हैं जो अमेरिका ने अफगान सेना को दिए थे। तालिबान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए अमेरिका ने यूएस बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के खातों को सील कर दिया है। अमेरिका ने तालिबान को रोकने के लिए अफगान सेना को ट्रेनिंग दी, अफगान सरकार को हाईटेक हथियारों का जखीरा दिया। जो जखीरा तालिबान की हस्ती मिटाने के काम आने वाला था, अब उसी जखीरे पर तालिबान का कब्जा है।
और वो मजबूत और मजबूत होता जा रहा है। एक देश आतंक की मौत मर रहा है और उसकी सत्ता अब आतंकियों के हवाले है। अब अमेरिका ने आर्थिक रूप से तालिबान की कमर तोड़ने वाला कदम उठाया है। अमेरिका में अफगानिस्तान सरकार के खातों को सील कर दिया गया है। अमेरिका की सरकार ने ये फैसला 15 अगस्त को लिया। दरअसल अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये पैसे तालिबान तक पहुंचे, और अब इसका नतीजा ये होगा कि इन खातों को सील करने के बाद न तो अफगानिस्तान सरकार और न ही तालिबान इन पैसों को निकाल सकती है। अफगान सेंट्रल बैंक के मुताबिक बीते हफ्ते तक खातों में 900 करोड़ डॉलर का रिजर्व मौजूद था, जिसमें से अमेरिका ने 700 करोड़ डॉलर के रिजर्व को फ्रीज कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान ने भी ये बताया कि अभी तक इन खातों से रकम की चोरी नहीं हुई है और खाते तालिबान के कब्जे में नहीं है। लेकिन अमेरिका के इस फैसले से पहले ही गरीबी की मार झेल रहे अफगानिस्तान को और भी तंगी और महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। First of all, I would expect that the US would freeze the international reserves and make them inaccessible to the Taliban. So if that happens, the international reserves, instead of being more than 9 billion, will just become whatever remains in the country, a very small fraction. As a result, the currency is likely to depreciate, inflation is likely to spike, and that's going to make it more costly for everyone to buy basic commodities such as food, wheat for bread, etc. And so, given that situation, I'm fearful for the economic future of Afghanistan. अफगानिस्तान पर कब्जा कर बैठा तालिबान इस बार चेहरा और चाल बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि तालिबान अफगानिस्तान के हालात और बदतर कर देंगे। झारखंड के धनबाद से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां खनन के काम में लगी एक कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी। बताया गया कि वहां के लोग बाहरी लोगों को काम देने का विरोध कर रहे हैं, जिस पर वहां भूमि पूजन के समय ही हंगामा खड़ा हो गया और कुछ लोगों ने खनन कंपनी के प्रबंधक पर गोलियां चला दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अचानक हुई इस गोलीबारी से वहां हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद बाकी लोग भी किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस गोलीबारी के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पूजा का सामान जमीन पर बिखरा नजर आया, जबकि खुदाई करने वाली मशीन और कुछ डंपर वहां खड़े दिखाई दिए। कंपनी के कर्मचारी ने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी को घटना की पूरी जानकारी दी। गाली गलौज करते हुए और कट्टा था उन लोगों के पास हाथ में। लेकिन इसी बीच कंपनी में काम देने की मांग कर रहे कई लोग थाने पहुंच गए, जिन्हें थाने में घुसने से रोकने के लिए पुलिस वालों ने थाने का मेन गेट बंद कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने वहीं पर खड़े होकर कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि वो किसी भी कीमत पर बाहरी लोगों को काम नहीं करने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार न मिले, क्योंकि यहाँ के लोग प्रभावित होंगे। पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। गोवा में कोरोना कर्फ्यू को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। गोवा सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कैसीनो, सामुदायिक हॉल, रिवर क्रूज, वाटर पार्क, स्पा और मसाज पार्लर पर पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पीए और शिवसेना के सचिव मिलिंद नार्वेकर का रत्नागिरी की दापोली में बन रहे बंगले को गिरा दिया गया। बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने बिना अनुमति अवैध रूप से बंगला बनाने की शिकायत की थी। यूपी के टावा में 500 बोरी चावल लदा ट्रक गायब करने के आरोप में पुलिस ने ट्रक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े गए ट्रक से सिर्फ 10 बोरी चावल ही बरामद हो सके। यूपी की बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस बीच गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके का फायदा उठाकर बाकी 4 बदमाश वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने इनका पीछा किया और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। राजस्थान के कोटा में एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसके पति को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इमरान नाम के शख्स ने कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां रानीगंज इलाके में जमीन हड़पने के आरोप में आदिवासियों ने एक आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस वालों ने पीटे जा रहे इस आदमी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के आगे उनकी एक नहीं चली। हाथों में लाठियां लिए लोग बुरी तरह से उसे पीटते दिखे, जबकि कुछ तो पैरों से मारते नजर आए। एक पुलिस वाला इन आदिवासियों के आगे हाथ जोड़कर शांत होने की अपील करता दिखाई दिया, लेकिन
उसकी इस अपील का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि इसी बीच मार खा रहा आदमी किसी तरह भीड़ के चंगुल से बचकर भाग निकला, मगर कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते नजर आए। इस हंगामे से पहले वहां पहुंचे पुलिस वाले मिलन तबदार नाम के आदमी को इन आदिवासियों के चंगुल से निकालकर अपने साथ ले जाते दिखाई दिए, लेकिन एक महिला ने उसका रास्ता रोक लिया और फिर भीड़ ने उसके साथ मारपीट की। बिहार के दानापुर में एक आदमी की हत्या से खफा लोगों ने सड़क जैम कर हंगामा किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बताया गया कि जिस शख्स की हत्या की गई उसका शव एयरपोर्ट के पास झाड़ियों में मिला, जिसकी सूचना मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर खूब हंगामा किया। वहां से सामने आई तस्वीर में कुछ महिलाएं शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोती नजर आई। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही खफा लोगों ने टायरों को जलाकर सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया और पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे ही हंगामे की भनक पुलिस वालों को लगी, वो दलबल के साथ वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से आग बबूला लोग पुलिस की कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए और काफी देर तक इसी तरह हंगामा जारी रखा। हालांकि कुछ घंटों के बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस लोगों को शांत करवाने में कामयाब हुई और तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अफगान महिलाओं के मन में तालिबान का बहुत खौफ है। समाज में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाएं देश से भाग रही हैं। अफगानिस्तान की मशहूर सुपर मॉडल और पॉप स्टार अरियाना सईद ने काबुल से जैसे तैसे एक अमेरिकी विमान में सवार होकर अपनी जान बचाई है। अरियाना सईद को अफगानिस्तान की किम कार्दशियान कहा जाता है। उनकी तस्वीरें भी किम कार्दशियान से मेल खाती हैं। किम कार्दशियान अमेरिका की एक्ट्रेस और सुपर मॉडल है, लेकिन जैसे ही तालिबान राज लौटा, उनकी तरह दिखने वाली अफगानिस्तान की पॉप स्टार अरियाना सईद की जान खतरे में आ गई। अरियाना ने किसी तरह अमेरिकी विमान में सवार होकर अपनी जान बचाई और विमान में बैठे हुए तस्वीर भी शेयर की। तस्वीर के साथ अरियाना ने लिखा कि दो कभी न भुलाई जा सकने वाली रातों के बाद मैं जिंदा हूं और दोहा में हूं। अरियाना के इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं और अपनी अलग अलग तरह की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी के बाद वहाँ की महिलाएं खौफ में हैं। तालिबान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर वो महिलाएं हैं जो टीवी में काम करती हैं, राजनेता हैं या फिर खेल जगत से ताल्लुक रखती हैं। एक्टिंग और मॉडलिंग करने वाली महिलाएं भी तालिबान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अरियाना सईद ने कहा है कि उन्हें इस बात का डर है कि तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान की सबसे मशहूर राजनेता सलीमा माजरी की हत्या की जा सकती है। सलीमा इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। अरियाना सईद ने लिखा कि अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर और तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाली सलीमा तालिबान की कैद में है और तालिबान उनसे बदला लेने के लिए हत्या कर सकते हैं। अरियाना के साथ साथ अफगानिस्तान महिला फुटबॉल टीम की को फाउंडर और कैप्टन खालिदा पोपल ने भी अफगान महिलाओं के लिए चेतावनी जारी की है। कोपेनहेगन में रहने वाली खालिदा ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने हमेशा महिलाओं का हौसला बढ़ाने की आवाज उठाई है, लेकिन अब देश में फिर तालिबान का राज है। जान बचाना चाहती हो तो फुटबॉल टीम की लड़कियों अपनी जर्सियां फूंक दो, सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो, अपनी सार्वजनिक पहचान को छिपा लो। तालिबान को अगर भनक लगी तो वो टीवी, मॉडलिंग, एक्टिंग जैसी इंडस्ट्री या फिर खेल जगत से जुड़ी महिलाओं को मार डालेंगे। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में आज से सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को आज से सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इससे पहले सिर्फ पुरी के लोगों को ही दर्शन करने की इजाजत दी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन से पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इस लड़के पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जैसे हमारे संज्ञान में आया उस पर हमने कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया है। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में इमारत का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबकर एक लड़के की मौत हो गई। अफगानिस्तान के बिगड़े हालात पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर सामने आए। उन्होंने अपने संबोधन में आईएसआईएस को बड़ा खतरा बताया। यही नहीं, उन्होंने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी चुनौती बताया। साथ ही दावा किया कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालेंगे। Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. Every day we have troops on the ground. These troops, innocent civilians at the airport,
face the risk of an attack from ISIS-K from a distance. Being hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अहमद मसूद ने तालिबान को चेतावनी दी है कि वो तालिबान को कड़ा जवाब देंगे। पंजशीर प्रांत की तरफ से तालिबान को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। तालिबान को आत्मसमर्पण के लिए पंजशीर प्रांत के लोगों ने कुछ घंटे की मोहलत दी है और उनके समर्पण न करने पर तालिबान पर हमले की धमकी भी दे दी है। इस बीच खबर आई है कि कुंदुज के तालिबान के गवर्नर और बगलान में तालिबान के डिप्टी गवर्नर ने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया है। पंजशीर प्रांत के ट्वीट के मुताबिक दोनों ने बगलान प्रांत में सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की तैयारी में तालिबान जल्द नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर सकता है। तालिबान ने अफगानिस्तान की नीतियों में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया है। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आज पीएम मोदी से बिहार का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ नेता विपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। जनगणना के मसले पे कल महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, तो क्या क्या मसले पे बातचीत होगी? कल तो बातचीत होगी, इसी के लिए तो समय हम लोगों ने पत्र लिख करके मांगा था, तो उन्होंने समय दिया है। और समझ लीजिए कि हम लोगों के यहाँ के कुल मिला करके जो भी विधानसभा में विधान परिषद में जो 10 पार्टियाँ हैं सभी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव कल एक साथ मिलने वाले हैं। कल 11 लोग मिलेंगे, हमारे साथ 10 लोग मिलेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा है। अजीत जी, जो मुलाकात प्रधानमंत्री से आप लोगों की होने वाली है, तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में, मुख्यमंत्री की अगुवाई में मुलाकात होगी, तो ये इसके पीछे वजह क्या, क्या डिमांड करते हैं आप लोग, क्या रीजन है? देखिए, ऐसा है कि ये सदन में 2019 और 2020 में ये पारित हुआ था कि हम लोग जाति जनगणना कराएं ताकि लोगों को सही रूप से रोजगार मिल सके। जाति जनगणना का मतलब ये है कि चाहे वो समान वर्ग के लोग हों, पिछड़े जाति के हों, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, मतलब सभी लोगों की कितने संख्या में लोग हैं उसके क्या गिनती होने से, जाति जनगणना होने से क्या होगा कि आप जैसे कि मान लो कि 100 सीट सरकारी नौकरी चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, मेरा डिमांड ये हम लोग का है कि 50% आपको देना चाहिए जो कि क्रीमी लेयर में, और 50% देना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर में। और जब आप जाति जनगणना कर लेंगे तो ये जब कर देंगे तो द्वेष समाज में नहीं होगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार नरौरा राजघाट पर होगा। कल्याण सिंह की अंतिम विदाई में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे अलीगढ़ अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से निकलेगी। कल्याण सिंह की शव यात्रा उनके पैतृक गांव अतरौली होते हुए बुलंदशहर के नरौरा के राजघाट तक 3 बजे तक पहुंचेगी। वहीं राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने घर पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। यह हमला इलाके के सरपंच नरेंद्र कौर के घर पर किया गया। इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन एक कार को काफी नुकसान पहुंचा है। तो बारामूला में यह आतंकी हमला हुआ है, सरपंच पर हमला हुआ है, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कार को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सरपंच नरेंद्र कौर के घर पर यह हमला हुआ है और हमले में अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर सरपंच नरेंद्र कौर पर आतंकी हमला होता है, हमले में एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा है।